ये जो है आज हमारा जो गांव के पास फार्म है इस पे गेहूं की कटाई हो चुकी है, गेहूं इकट्ठे हो चुके हैं सारे। और आज जो है मड़ाई का टाइम है, गेहूं मड़ाई होगी तो गेहूं अलग हो जाएगा, उसमें से भूसा अलग हो जाएगा, भूसी अलग हो जाएगी। ये फार्म है हमारा उधर गांव के उस नीले वाले घर तक, यहाँ से वहाँ तक और यहाँ से उधर पेड़ों तक। ये हमारी लैंड है जो गांव के नज़दीक पड़ती है। ये दो ढेर किए हुए हैं भूसी, इसके गेहूं काटने के बाद एक इधर है, ये 1.5 पौने 2 बीघे पे गेहूं है इधर, और ये इधर हैं 3 बीघे 3.5 बीघे पे गेहूं इधर है। तो दो लान बनाए हुए हैं, दोनों की मंडाई होगी आज। अभी हम वेट कर रहे हैं मंडाई की गाड़ी आने का, सामने शादी भी हो रही किसी की। तो फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हो गया, हमारी गाही करने वाली गाड़ी आ गई है। अच्छा, कितनी देर हो गई इंतज़ार करते हुए आपको अंकल? कितनी देर हो गई आपको इंतज़ार करते हुए? लगभग कितनी देर? आधा घंटा हो गया। चलो हम तो अभी आए, इसका मतलब तो आ गए थे जब हमने चाय पी उसके बाद। अच्छा हैं? अच्छा सोनू आ गया। आए हाय, आ गई गाड़ी, आ गई। तो ये कितने में था इनसे जो गाही करने आ रखे हैं ये? मतलब जब हम कनस्तर तोलेंगे अनाज का तो 13 कनस्तर हमारे होंगे और जो हाँ और जो 14 कनस्तर उनका होगा। अच्छा, ये हमारे अंकल बटाईदार हैं। कितने साल हो गए अंकल हमको बटाईदार कर बटाई करते हुए हमारे यहाँ? लगभग कितने साल? 14 साल? 17 साल हो गए। 17 साल हो गए पूरे। शादी के साल है ना? हाँ, साल आया था मैं। अच्छा 17 साल हो गए आपको पूरे पूरे? 17-18वां चल रहा है लगभग लगभग। अच्छा उस साल है नहीं? हाँ उसी साल आया था ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलो तो अब आपका अंदाज़ा कितना लग रहा है, कितना गेहूं निकलेगा इसमें से? 4.5 बीघा बता रहे हो आप, है ये तो कितना निकल जाएगा लगभग गेहूं अंदाजन? अंदाज़ा बताओ, तब हम बाद में तोल करेंगे कितना निकला। आपका अंदाज़ा सही निकला या नहीं निकला फिर हम जो है फिर देखेंगे। 3 बीघे जमीन है। हाँ। 3.5 का एवरेज देना चाहिए क्योंकि 3.5 का एवरेज देना चाहिए। तो लगभग जोड़ो कितना निकलेगा फिर? हाँ जोड़ेंगे अंदाजा। 4.5 बीघा है और 3.5 क्विंटल बीघे के हिसाब से निकलना चाहिए। हाँ तो 3×12 लगभग 15 निकलना चाहिए। हाँ 15 क्विंटल गेहूँ निकलना चाहिए लगभग। 15 से ज़्यादा होना चाहिए, 15 से कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होना, 16 पहुँचा। अच्छा 16 पहुँच सकता है। हाँ। चलो ठीक है। ये 17 पहुँचता। हाँ 18। हाँ ये तुम्हारे पापा ने की गलती है। गलती करी इसमें? ये कहा है उन्हें पानी नहीं लगाना है सर। अच्छा गेहूँ को? हाँ कब? जब फूल आ रहा ना। हाँ पानी लगता है सर। अच्छा उस टाइम पानी नहीं लगा इसमें? तो इस समय मतलब आधा 1 क्विंटल और निकलता है मतलब ना? 1-2 क्विंटल बढ़ जाता कहीं दे में। हाँ। अच्छा ये पिलर का स्टेक ना अंकल मुझे सही नहीं लग रहा, ये गिरेगा स्टेक देखना, पिलर गिरने के कगार पे है ये। ये बिजली का पिलर गिरने के कगार पे है। अच्छा
अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम क्या है, नाम आपका? भाई जो है वीडियो में नहीं आना चाह रहा, इनका है ट्रैक्टर। का लान इन्होंने जो है ख़त्म कर दिया है, दूसरे लान की तरफ जाने की तैयारी हो रही है। चलो चलो चलो, कितने कट्टे निकले यहाँ से इस लान में, कितने कट्टे निकले? मौसम ख़राब हो रहा पूरी तरह से, बारिश होने के आसार हो रहे हैं। कितने निकले इसमें कट्टे? हाँ जी, कितने कट्टे निकले इससे? इसमें इसमें कितने कट्टे? इसमें 29 कट्टे, 29 कट्टे इसमें। ठीक है, ओहो मौसम कड़ा कड़ा, शुक्र हुआ पहले ही मंड गया, गेहूँ मड़ाई हो गई तो और छींटे पड़ने शुरू हो गए, छींटे पड़ने स्टार्ट हो गए बारिश के। बारिश के छींटे पड़ रहे हैं यार, कर लो फटाफट, मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है। मौसम बिगड़ गया बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरा मौसम बिगड़ गया, बारिश को कुछ पता नहीं कितनी भयंकर हो जाए। दूसरे फार्म में ना हमारे जो उधर कार्बेट किनारे फार्म है, वहाँ गेहूँ ऐसी कट के पुलियाँ ऐसी रखी हुई हैं,
ढेर नहीं किया हुआ, ऐसे ऐसे बिछा रखी खेत में सूखने के लिए। दिक्कत तो नहीं है उससे बारिश से? भाई फाइनली हो गई है मंडाई। कितना कितना निकला है टोल? कट्टे कितने निकले हैं भाई? हाँ है 29 उधर थे, इधर कितने हैं? 13 इधर है, 29 और 13 39 कट्टे हैं, 39 बैग हुए ना। ठीक है उसमें अच्छा 29.5 हो गया तो लगभग 14 क्विंटल निकला है। 16 क्विंटल कैसे जोड़ा? 18 केजी की डर्मी, एक 19 केजी की डर्मी से जोड़ा आपने? अच्छा तो 16 क्विंटल निकल गया। चलो अच्छा 16 क्विंटल निकल गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और मौसम भी रुक गया भाई, इतनी बारिश होने वाली थी। हो गई चोड़ वाले बारिश? अच्छा तो हवा 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 चलने से ना बारिश रुक गई है, मौसम भी साफ हो गया, बढ़िया हो गया। ये आइडिया था अंकल जी का, आइडिया बिल्कुल सही निकला। तो अंकल जी को 17-18 साल तो हमारे साथ ही हो गए खेती करते हुए, तो ठीक है अंकल आपका आइडिया बिल्कुल सही निकला। तो अंकल हमारा जो है ना दूसरा खेत है आरबेट के किनारे पे, उसमें 8 बीघे में कितना निकल जाएगा लगभग? 2-3 बीघे तो खैर हाथी ने खराब कर रखा है उसने। अंदाजन कितना होगा उधर? देखो नहीं बता सकते, बगैर देखे नहीं बता पाओगे। अच्छा चलो ठीक। तो भाई ये अनाज जो है लोड हो रहा है, अब ये घर चला जाएगा इसके बाद। चलो।